जय माता जी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ज्वाला देवी मंदिर जाएंगे, जो 51 शक्ति पीठों में से एक पीठ है। ज्वालामुखी का जो मंदिर है दोस्तों, वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में स्थित है। यह मंदिर कांगड़ा जिले की कालीधर जो पर्वत है उस पर स्थित है। दोस्तों, यदि आप दिल्ली की तरफ से आएंगे तो दिल्ली और ज्वाला जी के बीच की दूरी 498 किलोमीटर के आसपास है। राजधानी दिल्ली से ज्वालामुखी मंदिर के लिए सीधी बस सेवा की उपलब्धता है। दिल्ली से ज्वालामुखी मंदिर के बीच के लिए बस में का जो सफ़र रहेगा वो 9 घंटे से 10 घंटे के बीच का रहेगा। यदि आप पठानकोट की तरफ से भी ज्वाला जी मंदिर के लिए आते हैं तो पठानकोट से जो ज्वालामुखी मंदिर की दूरी है वो 110 किलोमीटर के आसपास है। तो 3 घंटे का ये सफ़र रहेगा बस में। वहाँ से भी बस की उपलब्धता निरंतर रहती है। यदि आप हवाई मार्ग से ज्वालामुखी मंदिर आना चाहते हैं, जो निकटतम हवाई अड्डा है वो है गग्गल एयरपोर्ट। तो गग्गल एयरपोर्ट से आपको वहाँ से टैक्सी या बस द्वारा ज्वालामुखी मंदिर पहुँचना पड़ेगा। और यहाँ का जो निकटतम मेजर रेलवे स्टेशन है वो है पठानकोट, और हम यहाँ की यात्रा बस द्वारा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जय ज्वाला माँ। दोस्तों, हम सुबह 10 बजे ज्वालामुखी पहुँच चुके थे, और ये ज्वालामुखी का बाजार है। यहाँ से भक्तजन प्रसाद लेते हैं, तो हमने भी यहीं प्रसाद लिया और अपने जूते चप्पल वगैरह यहीं जमा करवा कर हम ज्वालामुखी मंदिर की ओर चल पड़े। ये सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये गेट है। ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ज्वालामुखी मंदिर की तरफ हम जाएंगे। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बता दूँ, बस स्टैंड से जो माता का मंदिर है उसकी दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ भक्तजन लाइन पे लगे हुए थे जब हम वहाँ पहुँचे। काफ़ी लंबी लाइन थी, भक्तजन सुबह ही यहाँ दर्शन के लिए पहुँच चुके थे। तो हम भी बिना किसी देरी की हुए माता जी के दर्शन करने के लिए लाइन में लग पड़े। तो दोस्तों, ठीक 11 बजे हम माता जी के दर्शन के लिए लाइन में लगे थे। तो 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच दर्शन करने को रोक दिया जाता है, क्योंकि उस समय माता जी की आरती का समय होता है। तो 1 बजे तक हम माता जी के दर्शन करके बाहर आ गए थे, और उसके बाद हमने गोरक्ष डिब्बी के भी दर्शन किए, जो कि बिल्कुल माँ के जो मुख्य मंदिर है उसके साथ ही है। ज्वाला माता के दर्शन करने के बाद आप गोरक्ष डिब्बी के दर्शन अवश्य करें। तो दोस्तों, ये छत्तर है जो अकबर द्वारा माता जी को चढ़ाया गया था, और सामने ये शैया भवन है। तो दोस्तों, हम चलते हैं माता जी के शैया भवन में। तो दोस्तों, ये माता जी की शैया है। यहाँ भजन मात दर्शन करके यहीं कुछ बैठ कर सुकून की प्राप्ति करते हैं। तो दोस्तों, बाहर अभी भी भक्तजन दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हैं। एक बार आपको माता जी का प्रांगण दिखा देता हूँ।
दोस्तों तो माँ के दर्शन करने के बाद हम नीचे की तरफ चले जहाँ पे माता जी का लंगर चलता है। लंगर की टाइमिंग आपको सामने दिखाई दे रही है। तो हमने पहले माँ का लंगर चखा और दर्शन करने के बाद माँ से आज्ञा लेकर अपनी अगली यात्रा की ओर चल पड़े। तो दोस्तों इस समय बज गए हैं दोपहर के 2। हम 11 बजे माँ के दर्शन के लिए लाइन में लगे थे। तो अभी हम जाएंगे टेढ़ा मंदिर की ओर, जो यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर के लिए बता रहे हैं। जय माता दी।